अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों को एक कुछ काम की चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा काम की चीज़। और जैसे कि आपको पता है कि शॉपर्स बहुत आते ही हैं हमारे ग्रॉसरी में, और वो जमा हो जाते हैं और फिर उनको ढूंढना और हमें सेव करने के भी रखने होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ के लिए बहुत काम आते हैं हमारे। तो उसको फेंकते तो हैं नहीं हम लोग, मैं तो नहीं फेंकती, खैर बहुत सारे लोग नहीं फेंकते इसको, जमा ज़ाहिर कलेक्ट करके रखते हैं हम, लेकिन उसको कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। और डिफरेंट चीज़ें अब तो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको घर में किस तरह से हम उनको तरीके से रख सकते हैं, मैनेज करके किस तरह से रख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और वो करेंगे हम इस बॉटल से, जो वाटर बॉटल हमारे पानी की आती है उससे मैं बनाऊंगी। अच्छा, हशर में दिखाती हूँ आपको कि होता क्या है। कुछ इस तरह का हशर होता है शॉपर्स का हमारे घरों में। ये मैंने एक बैग में, मैं तो खैर इस तरह नहीं रखती, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने बनाया नहीं था और अब मैं बनाने लगी थी तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ ये। लेकिन मैं किस तरह से इसको मैनेज करके रखती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। हमें क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, सिंपल पानी की बॉटल जो हमारे यहाँ थी, और इसको हमें कर देना है, हमें इसको यहाँ से कट करना है इस तरह से, मतलब सीजर वगैरह, सीजर से भी इजीली कट हो जाती है, और चाहें तो आप बिल्कुल बेस से भी कर सकते हो, चाहें तो ये जो डिज़ाइन होते हैं इस तरह के वेवी, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। इसके बाद इसका ये शार्प एरिया जो होता है, आप जो है इसको इस आयरन से प्रेस करके इसको लेवल में, इसके शार्प में इसको ख़त्म करने के लिए लेवल में कर सकते हैं। वैसे इतना हर्टिंग नहीं होता ये, ठीक है। और हमें इसका कैप हटा के इसका ये निकाल लेना है। इसका जो हैंडल है इसको हमें निकाल लेना है, एहतियात से कीजिएगा। ऐसे कट करके मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक है। बस ये बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसके अंदर शॉपर्स डालने हैं। शॉपर कभी भी जब आती है तो हमें इसको इस तरह से, जब मतलब हम निकालते हैं उसको इस तरह से घुसो घुसो करके इस तरह नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें इसके दोनों एंड्स जो होते हैं यहाँ से पकड़ें, ऊपर से पकड़ें, इसको यूँ करें, यहाँ से पकड़ें, इसको यूँ करें, तो इस तरह से ये लेवल में इस तरह से हो जाता है। ये ज़रा जगह भी कम घेरती है और बुरा भी नहीं लगता। तो इस तरह से हम इसको करके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सारी शॉपर्स को इस तरह से करके रोल कर लेना है। दूसरी शॉपर रख के सारे शॉपर्स को रोल बना के, इस तरह से रोल बना लेने हैं। फायदा नहीं सारी, इसको फिल कर लें। सिंपल हमने यहाँ पे छोटा सा इस पर कट लगा दिया है, ये देखिए कट लगा दिया है, ये हमारा रेडी है। मैं इसको लगाने लगी हूँ, मैंने इसको यहाँ लगाना है अपने किचन में, मैंने होल्डर इस पर लगा लिया है। होल्डर ना हो आप लोगों के पास तो आप कोई भी वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी आप छोटा सा स्क्रू भी लगा सकते हैं, स्क्रू में भी ईजीली अटैच हो जाता है और रह जाता है। ये हमारा इस तरह से ये रेडी हो गया है। ये मेरा स्पेस खाली था किचन में, मैंने इसको यहाँ लगा लिया है। सिंपल हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए
और अंदर फिल करते रहें आप इसको, ऊपर से खाली होता रहे, ये फिल भी कर सकते हैं और ये इसी तरह से हैंग रहेगा और यहाँ से इजीली हम इसको निकाल के और ये यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।